हाय दोस्तों, कैसे हैं? आशा कर रहा हूं कि आप सब अच्छे से होंगे। मेरा आज का टॉपिक है फैन के बारे में, यानी कौन सा फैन अच्छा होगा, कौन सा फैन में हवा ज्यादा होगा और कहाँ कौन सा फैन हमको लगाना है। और दूसरा टॉपिक होगा इसके बाद इमोशन हीटर। अभी चलो शुरुआत करते हैं फैन। देखिए, फैन तो बहुत सारे कंपनी है, लोकल में भी और ब्रांडेड में भी है। ब्रांडेड में आता है एंकर, आता है हेवेल्स, आता है और उषा भी आता है, पोलार भी आता है, बहुत सारे कंपनी, सीजी भी है। लेकिन ब्रांडेड और यानी चालू कंपनी जो है लोकल, उसमें क्या अंतर है, आज मैं उसको बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हम ये समझेंगे, फैन होता है अक्सर 3 ब्लेड की, और किसी किसी में 4 ब्लेड रहता है, और किसी में 5 ब्लेड, और किसी किसी में बहुत सारे ब्लेड रहते हैं। झूमर के साथ रहता है, लाइट के साथ रहता है, और उसमें बहुत सारे डिजाइन लगे रहते हैं। ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये सब सिंपल फैन है। ठीक है, देखिए जो फैन होता है, ये एंकर का फैन है। एंकर में भी बहुत सारे मॉडल हैं। मैं जो ये यूज आपको दिखा रहा हूँ, ये इकोनॉमिक के मॉडल में है, बहुत सारे कमती रेट में, 1200 रुपये के अंदर में ये आ जाएगा आपको। और दूसरा जो ब्रांड दिखाया हूँ, ये ब्रांड तो नहीं है, लोकल में जाता है, लेकिन ये खूब चलता है, ब्रांड से भी ज्यादा ये बिक्री होता है, ये एसीसी का है। और तीसरा जो है हेलोनिक्स दिखाया हूँ, और बहुत सारे कंपनी है। देखिए, सबसे अच्छा जो होता है 3 ब्लेड की पंखा, ये जो है सक्सेस मॉडल है। 3 ब्लेड में अगर आपको हवा चाहिए तो 3 ब्लेड की फैन ही आप यूज कीजिए। 4 ब्लेड की फैन में भी हवा नहीं होता है, उसका जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है वो कुछ कुछ हद तक यानी काम नहीं कर रहा है हवा के लिए। यानी हवा अगर चाहिए अच्छा, तो आपको 3 ब्लेड की फैन यूज करना है। ठीक है, और आप कौन सा एरिया में है ये भी आपको समझना है, टाउन में है या गांव में है। गांव में अक्सर क्या होता है, लो वोल्टेज रहता है। लो वोल्टेज रहने की वजह से फैन जो है स्लो घूमता है, फैन जो है स्लो घूमता है। तो हम क्या करते हैं गांव में जो है, अक्सर जैसे जैसे एसी से जैसा ब्रांड है, ऐसे ब्रांड बहुत सारे हैं, सैनियो है, बहुत सारे ब्रांड है, लोकल ब्रांड है, वो लोकल की जो फैन है वो चल रहा है। आप वहाँ गांव में यानी एंकर ज्यादा ना देखेंगे, हेलोनिक्स नहीं देखेंगे, या आपको हेवेल्स भी आपको देखने में नहीं मिलेगा। ये देखिए, ये हेवेल्स फैन है। ठीक है, तो गांव में क्यों हमको हेवेल्स यानी ब्रांडेड फैन देखने में नहीं मिलता है? क्या गांव वाले के पास पैसा नहीं है? ऐसा नहीं है, गांव वाले के पास पैसा खूब है, लेकिन उन्होंने उनको जो है, अगर एंकर का फैन लगाएंगे गांव में, ये हवा कम देगा। अगर हेलोनिक्स का लगाएंगे, ये भी कम देगा। अगर हेवेल्स का फैन लगाएंगे, वो भी हवा कम देगा। तो आप भी देखे होंगे कि लोकल फैन लगाएंगे और ब्रांडेड फैन लगाएंगे, दोनों में यानी अंतर रहेगा। कैसे? ये जो है हाई स्पीड घूमेगा, ये थोड़ा स्पीड कम हो जाएगा। इसका वजह यह है कि गांव की जो है वोल्टेज जो कम रहती है, लो वोल्टेज की वजह से इसमें यानी ब्रांडेड फैन में स्लो होता है, लेकिन वही वही लो वोल्टेज में अगर हम नॉन ब्रांड फैन लगाएंगे, लोकल फैन जैसे एसीसी है, तो ये रहता है खूब जोर से घूमता है और हवा भी खूब देता है। ऐसे क्यों, ये मैं आपको आज बताता हूँ। देखिए, मैं एक फैन को खोल के रखा हो, आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये फैन है, फैन की कॉइल है। ठीक है, ये तो आप सबको पता रहेगा, आप यानी आपको सब मालूम रहेगा इसके बारे में, और इसको देखने वाले भी बहुत सारे जानकारी भाई भी होंगे, इंजीनियर भी होंगे, और इलेक्ट्रिशियन भी होंगे, लाइनमैन भी होंगे, और वाइंडिंग वा करने वाले भी होंगे। तो देखिए, जो लोकल फैन में जो बाइंडिंग रहता है, ये जो बाइंडिंग रहता है, ये कम बाइंडिंग रहता है, यानी थोड़ा सा यानी कम बाइंडिंग रहता है। जैसे ब्रांडेड में आपको
250 वोल्ट में अगर बाइंडिंग रहेगा, 250 वोल्ट की कैपेसिटी की कॉइल यानी बाइंडिंग रहेगा, लोकल में आपको क्या रहेगा, 180 की बाइंडिंग रहेगी। यानी अगर ये 100 टर्न है पूरी टर्न, अगर ब्रांडेड में 100 टर्न हुआ है तो लोकल में कितना टर्न होगा, ये कि ये 80 टर्न रहेगा, 20 टर्न कम रहेगा। तो उसमें क्या होता है, लो वोल्टेज होने से भी इसकी जो मैग्नेटिक जो होना है वो ज्यादा होता है और स्पीड घूमता है, और जब हाई वोल्ट आता है तो और ज्यादा घूमता है उसमें, लेकिन उसमें क्या लॉन्जिविटी उसमें कम रहता है, लास्टिंग कम रहता है। और ब्रांडेड में जो होता है एग्जैक्ट 250 वोल्ट या 240 वोल्ट में उन लोग का बाइंडिंग रहता है, अगर जितना टर्न रहेगा 50 टर्न, अगर 100 टर्न रहेगा तो 100 ही टर्न रहता है, उससे कम वो नहीं देते हैं। वो परफेक्ट इंजीनियरिंग प्लान में होता है, क्योंकि अगर यानी वही फैन जो है कि ब्रांडेड की फैन है जैसे एंकर है, उसको अगर बाइंडिंग खोलेंगे तो उसका जो टर्न रहेगा ये, और लोकल का जो फैन अगर खोलेंगे इसका जो ये बाइंडिंग का जो टर्न रहेगा ये लोकल में कम रहेगा, और जो यानी ब्रांडेड फैन में ये टर्न ज्यादा रहेगा। इसकी वजह से क्या होता है, ब्रांडेड फैन में यानी हाई वोल्ट आने से ही ये तेजी से घूमता है, हाई वोल्ट आने से ही इसकी जो है मैग्नेट मैग्नेट होता है, मैग्नेट होने की वजह से ये तेजी से घूमने से हवा मिलता है हमको। तो ये होता है, क्या होता है कि तेजी से कब घूमेगा, हाई वोल्ट आएगा यानी परफेक्ट वोल्टेज रहेगा, 230 240 के अंदर रहेगा तो ये परफेक्ट काम करेगा। तो टाउन में जो होता है यानी शहर की शहर में, तो वहां जो है अक्सर परफेक्ट वोल्टेज रहता है, इसके लिए जो है शहर में अक्सर ब्रांडेड चीज यूज होता है। जैसे बहुत सारे कंपनी है, नाम कंपनी का नहीं लेता हूं मैं, तो उसमें क्या होता है वो सही घूमता है, लेकिन गांव में वही ब्रांडेड लगाएंगे तो आपको हवा नहीं देगा, क्योंकि वहां जो होता है एक लो वोल्टेज रहता है। इसके लिए वहां क्या अक्सर यूज करते हैं लोग कि ऐसी सी जैसा ऐसे यानी नॉर्मल है लेकिन इसका काम बहुत है, ये बिक्री भी बहुत होता है, ऐसे ब्रांड वाला जो है लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसका जो सिस्टम है कॉइल जो रहता है थोड़ा कम भी रहता है, और उस टेक्नोलॉजी की वजह से वो बहुत स्पीड घूमता है, उसके आरपीएम ज्यादा रहता होता है, और तेजी से घूमने की वजह से लो वोल्टेज में भी उसकी मैग्नेट हो जाता है और उसकी वजह से हवा हमको देता है। तो इसके लिए गांव में अक्सर जो है यानी नॉन ब्रांड यूज होता है और शहर में अक्सर जो है ब्रांडेड यूज होता है। ठीक है, अब दिखाता हूँ आपको कैसे होता है ये। देखिए एक एक ट्रांसफार्मर है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, एक ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर की। इसको अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसमें जितने यानी ज्यादा बाइंडिंग होगा, ये है 250 वोल्ट के अगर होगा ये तो 200, ये 180 और ये 160, ऐसे में बाइंडिंग हुआ होगा, यानी ज्यादा बाइंडिंग से कम बाइंडिंग तक हुआ होगा। अगर आप हमको ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो उसमें यानी लो वोल्टेज है तो अगर इसमें देंगे तो हमको इधर आउटपुट सही मिलेगा, जितना कम बाइंडिंग में हम यानी सप्लाई देंगे तो उतना हमको ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, माने वोल्टेज के हिसाब से। ये वही जो है ट्रिक जो है फैन में जो लोकल कंपनी जो है वो अपनाते हैं, लेकिन ब्रांडेड में जो होता है वो जो है यानी परफेक्ट उसका साइज गेज और बाइंडिंग देते हैं, उनका स्पेसिफिकेशन रहता है कि अगर 230 या 240 वोल्ट आया तो ये इतना आरपीएम देगा, इतना हवा ये स्पीड देगा। लेकिन ब्रांडेड में यानी नॉन ब्रांड में ऐसा नहीं होता है, वो लोग क्या करते हैं कि 250 बाइंडिंग का ना देने की वजह से वो कम दे देते हैं, उनका जो मैकेनिज्म है उनका जो इंजीनियरिंग प्लान है उसमें क्या करते हैं वो कि यानी 180 का बाइंडिंग या 190 का बाइंडिंग दे देते हैं, उतना तार का बाइंडिंग देते हैं, और उस वजह से अगर वोल्टेज कम भी हुआ भी उसमें मैग्नेटिक वेव होने की यानी मैग्नेट हो जाता है और वो तेजी से घूमता है, और ज्यादा हुआ भी वो घूमता है, वो बीच का रेंज अपनाते हैं। इसके लिए यानी लोकल ब्रांड और जो लोकल है और ब्रांडेड का अंदर में जो है यानी डिफरेंट रहता है, लेकिन ब्रांडेड ब्रांडेड ही होता है, लोकल लोकल ही होता है।
मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना, और लाइक भी करना और शेयर भी करना। देखिए एक ब्रांडेड फैन है, ये कम में है। ब्रांडेड फैन हमेशा स्लो ही घूमेगा, लेकिन अच्छा अगर वोल्टेज है तो वो हाई स्पीड घूमेगा और हवा भी अच्छा देगा।